चपॉक के बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम पे अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। आज मैच है राजस्थान और LSG का, लेकिन इस मैच से पहले कल के दौरे पर गए थे वहाँ के मंत्री अशोक चांदना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अशोक चांदना राजस्थान के। उन्होंने कल सवाई मानसिंह स्टेडियम का दौरा किया और साउथ वेस्ट ब्लॉक और नॉर्थ वेस्ट ब्लॉक पर सवाल उठाए कि ये दोनों ब्लॉक इलीगली कंस्ट्रक्ट हुए हैं और इनको कोई मान्यता नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में MOU हुआ था, उससे ये इलीगल साबित होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई दुर्घटना इन दोनों ब्लॉक्स में हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन इस बात को काटते हुए RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वैभव गहलोत कह रहे हैं कि ये दोनों ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन जो हुई हैं, इनका MOU के अंडर में ये कंस्ट्रक्शन हुई हैं और ये ब्लॉक्स 1000 की कैपेसिटी रखती हैं। लेकिन उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बोली है वो है कि ये दोनों ब्लॉक्स परमानेंट नहीं हैं। जी हाँ, परमानेंट नहीं है, टेम्प्ररी ब्लॉक्स हैं। तो आगे बात करें तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की, तो उनके जो ऑफिसर हैं वीरेंद्र पुनिया, उन्होंने अपने सरकार के मंत्री के खिलाफ जाते हुए बोला है कि ये MOU के अंडर ही कंस्ट्रक्शन हुई है और ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। जी हाँ दोस्तों, आप बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इसमें सवाई मानसिंह स्टेडियम का कुछ नुकसान होगा और आज का मैच आपके हिसाब से कौन जीतेगा, कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से।